हेलो गाइस, दिस इज़ स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग टेक बिगिनर। तो गाइस, आज वीडियो को बनाने इसलिए इस तरह बना रहा हूँ लैंडस्केप मोड में, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन निकाल दिए हैं कि आप 240p पे मोबाइल की पोर्ट्रेट वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो क्वालिटी बहुत बेकार आ रही थी, तो उम्मीद है आप 480p पे देख पा रहे होंगे वीडियो। तो गाइस, वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो आपको गाइस कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। 90% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसमें स्टॉप लॉस का यूज़ समझ जाएंगे। आपको ये देखने की ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आप ऐसे ही है, मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली है, आप समझ जाएंगे। इसके मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो पिछले वीडियो थे उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो गए थे, तो इसमें आपको मैं आसानी तरीके से बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप, मैं बता दूँ, जेपे में एक कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं स्टॉप लॉस में, वो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, वो फीचर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बाई का ऑर्डर मैं बताऊंगा कैसे बाई यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लिमिट सेलेक्ट कर लेगा। आप में से सारे लोगों को स्टॉप लिमिट सेलेक्ट करना आता ही होगा, नहीं आता तो वहाँ पे आपको ऐप में मिल जाएगा, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ये चल रहा है 9,630,000 डॉलर चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए मुझे BTC ख़रीदना है, पर इतने में नहीं ख़रीदना है, मुझे ख़रीदना है कि जब इसका प्राइस 9,000 डॉलर जाए, यानी $600 कम हो जाए, तब हमें इस प्राइस ये हम इस हमें इस प्राइस से BTC ऑटोमेटिक बाई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको लिमिट क्या डालनी होगी, चलिए बताते हैं। लिमिट मैं फिल कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पे गाइस देखिए, कुछ इस तरह डालना है जिसमें आपको जिस रेट पे बाई करना। तो यहाँ पे मैंने 9,000 डाल दिया, और यहाँ पे लिमिट में आपको 8 या ये 5 पाँच ऑर्डर भी $5 एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। यहाँ तो मैंने $15 डाला है, तो आप $5 बढ़ा के डाल सकते हैं। $15 इसलिए डाला है, इससे आपको अमाउंट ज़्यादा डालना है, थोड़ा $5 का फ़र्क होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जो बांड की चलिए ये जो BTC का प्राइस है इतनी फास्ट तेज़ी से घटता बढ़ता है, तो हो अगर जो आप यहाँ पे 9,000 सेम भी डाल देंगे ना, तो हो सकता है आपका बाई ना हो। तो यहाँ पे जैसे 9,000 जाएगा और सीधा 9,000 से 9,015 तक, इसके बीच में आपका BTC बाई हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई गाइज, नोट कर लेना। और यहाँ पे आपको कितना सेलेक्ट करना है, 100% 75%। तो यहाँ पे मैं इसे 100% सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे बाई BTC पे क्लिक करेंगे, तो जैसे बाई BTC पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अमाउंट मेरे पास नहीं है, और आपका ये ऑर्डर सेल मतलब प्लेस हो जाएगा। तो अब ये गाइज क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लिमिट में कैसे यूज करना, ठीक है। स्टॉप लिमिट में आपको इसी का उल्टा यूज करना है, यानी इसमें स्टॉप के प्राइस से ये प्राइस बढ़ा के डाला गया है 9,015, इसमें आपको 9,015 और 9,000 डाल देना है। चलिए डाल देते हैं 9,015, 9,000, और ये मैंने डाल दिया प्राइस, ठीक है। देखिए गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही जो स्टॉप जैसे ही 9,015 पे BTC आएगा, तो वो आपका जो ऑर्डर है वो 9,000 पे सेल हो जाएगा, अगर जो BTC का प्राइस डंप होता है। तो यहाँ पे हर ऑर्डर में, यहाँ पे मैं सेल की बात कर रहा हूँ, मेटल BTC आपने ऑलरेडी ख़रीद रखा है। आप रात में सोते हैं, सोचते हैं कि BTC का प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसीलिए आपने ख़रीद के रखा है, मान के चलिए, इसलिए आप लगाते हैं कि आपका BTC कहीं प्राइस बिल्कुल क्रैक होता है, तो आपका BTC आपको ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, वो 9,000 पे बिक जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 9,000 जैसे ही ब्रेक होगा, 9,000 से 9,015 डॉलर के बीच में बिक जाएगा, और आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो गाइस, अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा OCO का यूज़। OCO गाइस एक ऐसा फीचर है जिससे आप, अगर जो प्राइस बढ़ता है तो अपने आप बिक जाएगा BTC आपने ख़रीद के रखा है, वो प्राइस एकदम से आप डाउन होता है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, सेल हो जाएगा। वो दोनों चीज़ें एक ही ऑर्डर में काम करती हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।
तो गाइस मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, और पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।